आज तबीयत थोड़ी डाउन है सुबह से। सुबह जिम गए थे तो इसी चक्कर में व्लॉग भी नहीं बना पाए। जिम गए, सोचे कि जिम हो जाएगा, पर मुश्किल से 15 से 20 मिनट जिम में रुके और उसके बाद फिर घर आ गए, फिर आके डाइट ली और फिर आके सो गए। तो फिर अब सीधे उठे हैं क्योंकि एक ज़रूरी काम से जाना है हमको आलमबाग की साइड। जो भाई लखनऊ में रहते हो जानते होंगे, लखनऊ में आलमबाग जगह है, तो वहाँ पर हमको जाना है ज़रूरी काम से। तभी तो ठीक नहीं, जाने का मन नहीं है, पर जाएंगे, ज़रूरी काम है तो उसको निपटाने के लिए। तो अब सुबह से ऐसे ही पड़े हुए हैं जिम से आने के बाद भी, तो आपसे मिलते हैं अब तैयार होने के बाद। बाथरूम में आ चुके और पानी जैसे ही खोला तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, इसलिए नहाने का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं और कौवा स्नान करके रेडी। अभी दिन हो चाहे रात ये करेगा फोन पे बात, किसी की बात नहीं मानेगा ये। इसको सब फोन करके बोलते भी हो, तुम इतना किससे बात करते हो, देख लो गाइस। ठीक है, तो गाइस हम फाइनली तैयार हो चुके हैं पूरा रेडी, और अब बस हम चलते हैं गाड़ी के पास और गाड़ी निकालते हैं। और इस टाइम पर ट्रैफिक तो बिल्कुल ही चरम सीमा पर होगी अपने, तो मिलते हैं आपसे सीधे गाड़ी में। तो हम गाड़ी पर पहुँच चुके हैं, हम अब निकल चुके हैं अपने ज़रूरी काम के लिए। तबीयत ख़राब है पर उसके बाद भी जाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ ज़रूरी काम था। अब दिखाते हैं आपको रास्ते में क्या क्या होता है, क्या क्या है। हम आ चुके हैं शहीद पथ पे, बहुत उधर ट्रैफिक जाम था इसलिए मैं व्लॉग नहीं बनाया। हम शहीद पथ पे आ चुके हैं अब। पर अचानक मैंने देखा कि यहाँ पे शायद कोई महोत्सव टाइप का लगा है, तो मैंने कहा कि आप लोग को भी दिखाया जाए। ये आप देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे मेले में आ चुके हैं और काफी सारी चीजें हमने देखी और घूमी, बहुत अच्छा लगा मेले में। आप भी देख सकते हैं सारी चीजें और यहाँ पे कई सारे आइटम, हर एक चीज़ मिल रही है जो भी आपको चाहिए, घरेलू या फिर कपड़े या हर चीज़ आपको मिल जाएगी। मोमोज मुझे बहुत पसंद है, और मोमोज खाने लगे वैसे आए थे अकेले तो इसलिए ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, अगर किसी के साथ होते तो और मज़ा आता। भाई ने बहुत अच्छे मोमोज खिलाए, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे मोमोज खाने के बाद। महोत्सव से निकल आया बाहर और अब निकल चलते हैं घर की तरफ क्योंकि जब बहुत लेट हो चुका है, तो अब मिलते हैं आपसे सीधे घर पहुंच के। घर और गाड़ी अपनी पार्किंग में खड़ी कर दी है और अब आप लोगों से मिलते हैं सीधे घर पे। फाइनली अब आ चुका है घर, पूरे शरीर की पैंट बच चुकी है, ऐसे ही जब घर से निकले थे तो तबीयत सही थी नहीं, और अब थोड़ा और ज़्यादा थकान लग रही है। अब मुझे ये लग रहा है कि मैंने गलती कर दी महोत्सव में जाके, क्योंकि महोत्सव में एक तो मैं अकेले गया था तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, पर आप लोग अपनी परिवार के साथ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत इन्जॉय वाली जगह पर है, मतलब काफ़ी सारे झूले, काफ़ी सारी चीज़ें हैं महोत्सव में। तो एक बार जो भी मेरे भाई लखनऊ में है या जो बाहर से लखनऊ में आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर महोत्सव में जाए। गुड मॉर्निंग गाइस, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। रात में सोने में बहुत लेट हो गया था तो सुबह उठने में भी लेट हो गया, और 9 बज चुके हैं और हम जिम के लिए काफ़ी लेट हो गए हैं, तो मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद। तैयार हो चुके हैं जिम के लिए और अब हम सीधे निकलते हैं जिम, और रात में दवा खाई थी तो थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल हो गया है, वैसे कंट्रोल के अब ठीक हो चुका है, फीवर जो था हल्का हल्का कल, तो अब चलते हैं जिम और उसके बाद आपसे मिलते हैं जिम में। पहले गाड़ी मिलेंगे उसके बाद जिम में। जिस दिन जिम लेट में जाते हैं उस दिन सारे काम लेट, क्योंकि शुरुआत ही लेट हो रही होती है इसलिए। तो ये अम्माद है स्कूल जाते हुए।
आज जिम लेट जाके ये पता चल रहा है कि अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो आपको सामना करना पड़ेगा इसका। तो मैं इसी बात कर रहा था कि अगर आप लोग जिम टाइम से नहीं जाएंगे या सुबह जल्दी नहीं उठेंगे और आप अगर खासकर लखनऊ में रहते हैं तो आपको इसका जरूर सामना करना पड़ेगा। जिम जा रहे हैं और आप जल्दी में, जैसे कि आज मैं हूँ और आपके पास अगर कुछ खाने के लिए नहीं है तो एक एप्पल भी बहुत है, आप खा के और उसके बाद जिम कर सकते दबा के। चल रहे हैं सीधे मंदिर क्योंकि आज थर्सडे है। तो आप लोगों को नहीं पता होगा थर्सडे को, हर थर्सडे को मैं मंदिर जाता हूँ। तो अभी तो मंदिर खाने नहीं जाएंगे क्योंकि नहाए नहीं है, अभी जाएंगे खाली फूल लेके और फूल चढ़ाने के लिए घर पे, उसके बाद फिर शाम को मंदिर जाएंगे तो वो भी ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। तो फूल ले लिया हमने और अब निकलते हैं सीधे घर क्योंकि बहुत लेट हो गया है, पापा फोन आया था। तो सब काम निपटा चुके हैं और हम आ चुके हैं घर और इस व्लॉग को इसी के साथ ही ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें।